नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आप में से कई दर्शकों ने हमें ध्यान साधना के विषय में प्रश्न भेजे हैं, इसलिए आज के सत्संग में हम नाम जप करना और ध्यान साधना करना इस विषय में विस्तार से समझ लेंगे। आज के सत्संग से नाम साधना के विषय में आप सभी को ये अच्छे होने के लिए सहायता हो जाएगी। अब आज के नाम सत्संग का हम आरंभ करते हैं। नाम सत्संग के आरंभ में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सतगुरु नंद कुमार जाधव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात हम सभी सामूहिक नाम जप करेंगे, अर्थात अपने अपने स्थान पर बैठकर एक साथ हम नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सतगुरु नंद कुमार जाधव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। सर्वप्रथम आज हम सत्संग की महिमा बताने वाली एक कथा सुनेंगे। नामजप सत्संग में जो कथाएं बताई जाती है वह हमें साधना में प्रेरणा मिले इस हेतु होती है। हम पुराण अथवा अतीत में हुए देवताओं और ऋषि मुनियों की कथाएं चयन करते हैं। ये सारी कथाएं अथवा प्रसंग उनसे बोध लेने हेतु होते हैं। वस्तुतः देवता, ऋषि आदि में क्रोध, लोभ आदि शरीर विपु नहीं होते। प्रसंग निर्माण होने का उद्देश्य हमें बोध देना ही होता है। यही ईश्वर का कार्यकारण भाव होता है। तो आइए वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि की एक कथा सुनते हैं। एक बार महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र में वाद निर्माण हुआ कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपश्चर्या। महर्षि वशिष्ठ कह रहे थे कि सत्संग श्रेष्ठ है और महर्षि विश्वामित्र जी का कहना था कि तपश्चर्या श्रेष्ठ है। जब निर्णय न हो सका तो दोनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात कही। विष्णु भगवान ने सोचा कि ये दोनों ही महर्षि हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग शेषनाग के पास जाइए, वे ही उचित निर्णय देंगे। दोनों महर्षि शेषनाग के पास पहुंचे और अपनी बात उनसे कही। शेषनाग जी ने कहा कि ऋषिवर, मेरे सिर पर धरती का भार है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे सिर से धरती का भार हल्का कर दे तो मैं निर्णय दूंगा। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे धरती माता, आप शेषनाग जी के सिर से थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ जाइए, मैं अपनी 1000 वर्ष की तपश्चर्या का 1/4 ही फल अर्पण करता हूँ। पृथ्वी में कोई हलचल नहीं हुई,
यह देख उन्होंने कहा कि मैं अपनी 1000 वर्ष की तपश्चर्या का फल आपको अर्पण करता हूँ। आप शेषनाग के सिर से ऊपर उठ जाइए, परंतु फिर भी पृथ्वी माता नहीं हिली। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने पृथ्वी माँ से कहा कि हे धरती माता, मैं अपने अर्धघटी का सत्संग का फल देता हूँ, आप शेषनाग के सिर से ऊपर उठे। यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि अर्धघटी का अर्थात आज के 12 मिनट होते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी के इतने कहने पर पृथ्वी तुरंत शेषनाग जी के सिर से ऊपर उठ गई। शेषनाग जी ऋषियों से बोले, अब आप दोनों स्वयं ही निर्णय ले कि सत्संग बड़ा है या तपश्चर्या। इस कथा से हमें सत्संग की महिमा कितनी अधिक है यह सीख मिलती है। इस कथा से निश्चित ही नाम सत्संग की महिमा मन पर अंकित होकर हमारे मन में सत्संग के प्रति भाव निर्माण हुआ होगा। इसके लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। शिप्रा जी, हमने कल और आज सत्संग की महिमा बताने वाली 2 कथाएं सुनाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब दर्शकों के मन में सत्संग के महिमा के विषय में कोई प्रश्न नहीं होंगे। हाँ जी सद्गुरु जाधव जी, सत्संग के विषय में तो नहीं है, हाँ, परंतु ध्यान और नाम जप के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। जी वो पूछती हूँ। हाँ। दर्शक पूछते हैं कि वर्तमान समय में मन शांति, तनाव मुक्ति, एकाग्रता आदि के लिए अधिकांश लोगों को ध्यान का अभ्यास करने हेतु कहा जाता है। हाँ। तो ऐसे समय में मन में ध्यान के विषय में एक आकर्षण निर्माण होता है। जी। अभी इस सत्संग के माध्यम से दर्शक नाम जप सीख रहे हैं, तो आप ही हमें नाम जप और ध्यान के बीच में क्या अंतर है ये समझाइए। अच्छा, समझाता हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो अनेक वर्षों से ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान साधना करने से अनुभूति भी प्राप्त कर चुके हैं, वे वही साधना चालू रख सकते हैं। आप में से कुछ दर्शक साधना के प्राथमिक अवस्था में हैं, ऐसे समय में आप ध्यान साधना की तुलना में नाम साधना को प्रधानता दें, क्योंकि वर्तमान समय में ध्यान लगाना कठिन है और जो साधक साधना में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए नाम जप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम ध्यान लगाना और नाम जप करना इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें यह समझना आसान होगा। सर्वप्रथम हम नाम जप और ध्यान की परिभाषा समझ कर लेंगे। ध्यान लगाने का अर्थ है निर्विचार अवस्था प्राप्त करना और नाम जप करने का अर्थ है ईश्वर के नाम का निरंतर उच्चारण करना। कुछ सूत्रों के आधार पर हम नाम साधना और ध्यान इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो नाम जप करने के व्यावहारिक लाभ सभी के ध्यान में आएंगे। पहला सूत्र है निर्विघ्न साधना। ध्यान लगाने हेतु हमें विशेष स्थिति में बैठना होता है। यदि हमें पीठ में दर्द हो तो उस स्थिति में बैठना कठिन हो जाएगा। नामजप हेतु किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, साथ ही
ध्यान का अभ्यास करते समय ध्यान अवस्था में जाने में समय लगता है, किंतु नामजप में ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरा सूत्र है साधना में निरंतरता होना। साधना में निरंतरता होना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान पूरे दिन नहीं किया जा सकता, किंतु नामजप पूरे दिन किया जा सकता है। यदि ईश्वरीय तत्व से एकरूप होना है तो उसके लिए सतत साधनारत रहना आवश्यक होता है। तीसरा सूत्र है रुचि और अरुचि संस्कार अल्प हो जाना। भोजन करते समय भगवान का नाम जप करने से मन नाम में मग्न हो जाता है और हमने क्या खाया इस ओर ध्यान नहीं रहता। इससे रुचि और अरुचि संस्कार कम होने में सहायता होती है। ध्यान करने वालों के संदर्भ में वैसा नहीं होता, उनके सभी संस्कार वैसे ही रहते हैं। इसके विपरीत प्रत्येक कृति करते समय नामजप करने से सभी संस्कार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। चौथा सूत्र है अखंड जागृत अवस्था। ध्यान के पश्चात साधक जागृत अवस्था में लौटता है, क्योंकि उसे माया के विषयों का आकर्षण होता है। इसके विपरीत अखंड नामजप करने वाले साधक ईश्वर के अखंड ध्यान में रहते हुए भी जागृत अवस्था में होते हैं। पांचवा सूत्र है अंतर्मन के संस्कार नष्ट होना। अंतर्मन में पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही हम माया के विषयों को में आकर्षित होते हैं। ध्यान की अवस्था में अंतर्मन के ये संस्कार नष्ट नहीं होते, केवल दबे हुए रहते हैं। नामजप के द्वारा ये संस्कार अत्यधिक मात्रा में नष्ट ही हो जाते हैं। अगला सूत्र है सूक्ष्म विचारों का प्रकट होना। ध्यानावस्था अर्थात मन को निर्विचार करना अथवा अंतर्बाह्य कहीं भी ध्यान न देना, तथापि इस अवस्था में सूक्ष्म संस्कार कुछ क्षण के लिए उभरते हैं, परंतु जब हम ईश्वर का नाम जप एकाग्रता से करते हैं तब अन्य विचार नष्ट होने के कारण अथवा भक्ति केंद्र की निर्मिति होने के कारण ये सूक्ष्म संस्कार नहीं उभरते। इसलिए नाम जप करना निर्विचार मन से अधिक श्रेष्ठ है। अगला सातवां सूत्र है आध्यात्मिक अनुभूतियां और आध्यात्मिक स्तर। ध्यानावस्था में आने वाली अनुभूतियों से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कितना है ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता, परंतु नामजप के द्वारा प्राप्त अनुभूतियां साधक का आध्यात्मिक स्तर दर्शाती है, क्योंकि जैसे आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है वैसे नामजप मध्यमावाणी में होने लगता है। हर सांसारिक कर्म करते हुए भी नामजप होता रहता है, इससे आध्यात्मिक स्तर बढ़ा है यह उस व्यक्ति को ध्यान में आता है। चिप्रा जी, ध्यान और नाम साधना में क्या अंतर है ये अब ध्यान में आया होगा ना? जी, बहुत अच्छे से ध्यान में आया होगा, परंतु और भी प्रश्न आए थे कि अहंकार को साधना में बाधक माना गया है,
अहम की दृष्टि से नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है? हाँ, बताता हूँ। अहंकार याने मैंपन, अहंकार याने यह धारणा कि मैं ईश्वर से अलग हूँ। अहंकार अति बलशाली एवं कठोर होता है, अतः ध्यान के माध्यम से इसे नष्ट करना अत्यंत कठिन होता है। ध्यान के माध्यम से ईश्वरीय तत्व से एकरूप होना सरल नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर से विभक्त है। यह विचार सदैव दृढ़ बना रहता है। मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यानावस्था में जा रहा हूँ, ऐसे विचार आना बहुत ही सरल है। इसे स्वयं का, मन एवं देह का भान बढ़ता ही है। साथ ही व्यक्ति को यह विचार भी आ सकते हैं कि वो विशेष और अद्वितीय है। ऐसे विचारों से अहम बढ़ेगा। नामजप करते समय ईश्वर का भान अधिक होता है। ईश्वर की कृपा से हम नामजप कर पा रहे हैं, इसकी भी अनुभूति होती है। परिणाम स्वरूप साधना करने का अहंकार नहीं होता और अहंकार का क्षय होता है। साधना में नामजप किसी भी कृत्य के साथ किया जा सकता है। यह विशेष है कि हमें सारे दायित्व जैसे घर, बच्चे, नौकरी आदि देखते हुए साधना करनी है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग ध्यान साधना स्वयं में एक मनोवैज्ञानिक सुधार लाने की तकनीक के रूप में करते हैं, ना कि आध्यात्मिक प्रगति हेतु साधना के रूप में। यही कारण है कि ध्यान के माध्यम से जो लाभ होने चाहिए वे मात्र मनोवैज्ञानिक स्तर के ही रह जाते हैं। ध्यान योग में मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ, मैं समाधि से जागृत अवस्था में आ गया हूँ, ऐसे सूक्ष्म विचारों के कारण अहम रहता है। तो नामजप में भगवान नामजप करवा रहे हैं, इस भाव के कारण साधना का अहम निर्मित नहीं होता। इसी के साथ अहम नष्ट होने में सहायता मिलती है। ध्यान से साधना का अहम निर्मित होने की संभावना 30% रहती है, जबकि नामजप से केवल 10% रहती है। सारांश में, आज के समय में आध्यात्मिक प्रगति हेतु ईश्वर का नामजप श्रेयस्कर है। यदि आप पहले से ही आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य से ध्यान साधना कर रहे हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप उसे नामजप की साधना के साथ कीजिए। हाँ जी, ध्यान अवस्था में ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं, नामजप करते समय भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं ये बताता हूँ। ध्यान करने वाला मनुष्य ध्यान में रहने तक देवता का रूप देख सकता है, परंतु ध्यान से बाहर आने पर वो ईश्वर का रूप नहीं देख सकता। उस समय उसे नाम साधना ही करनी पड़ती है। नामजप करने के समय भगवान के रूप का ध्यान मन में न आए तो भी नामजप नहीं छोड़ना चाहिए। आगे चलकर नामजप में उन्नति होने पर ईश्वर का रूप अपने आप आँखों के सामने आने लगता है। जी, ध्यान और नामजप के समय होने वाली जो अनुभूतियाँ हैं, तो उसमें अंतर क्या होता है? जी, बताता हूँ। ध्यान अवस्था में मृतावस्था की अनुभूति होती है।
और नाम जप करते समय चैतन्य की अनुभूति होती है। ध्यान कृत्रिम अवस्था है, अपितु नाम साधना से सहजावस्था प्राप्त होती है। नाम से होने वाली अनुभूति खरी होती है, क्योंकि नाम लेने वाला नाममय होता है, जबकि ध्यान में आने वाली शून्य की अनुभूति भासमात्र होती है, क्योंकि इसमें केवल मनोलय हुआ होता है। कालानुसार साधना करना, यह साधना का तत्व है। ध्यान करना, यह त्रेता युग की साधना है, और नामजप करना, यह कलियुग की साधना है। कालानुसार साधना करने से उसका अधिक फल मिलता है, इसलिए कालानुसार नामजप करना यही अधिक उचित होगा। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छाया चित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानि मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नामजप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। नमस्कार। अब हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए यहाँ एक ऑडियो लगाया जाएगा। इस ऑडियो की विशेषता यह है कि यह ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। भगवान की असीम कृपा से हमें संतों की वंदनीय प्रत्यक्ष उपस्थिति में और संतों द्वारा किए गए नाम जप के साथ सामूहिक नाम जप करने का अवसर मिल रहा है, तो हम सभी प्रत्यक्ष नाम जप का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामजप का समय यहाँ समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नामजप से आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अवश्य आई होंगी। यदि आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा हो तो भी आप हमें अवश्य लिखकर भेजिए। आपके द्वारा भेजी जा रही अनुभूतियाँ, प्रश्न, अड़चने, इन सभी का विश्लेषण हम आज की तरह ही आगे के सत्संगों में करते रहेंगे। ईश्वर की असीम कृपा से ही आज का यह नाम सत्संग यहाँ संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।